गणतंत्र। दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जब मैं पीछे मुड़कर ये देखती हूँ कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने कितने लंबे यात्रा की है, तो मेरा हृदय गर्व से भर जाता है। हमारे गणतंत्र का 75वां वर्ष कई अर्थों में देश की यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। ये उत्सव मनाने का विशेष अवसर है, जैसे हमने स्वाधीनता के 75वीं वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान अपने देश की अतुलनीय महानता और विविधतापूर्ण संस्कृति का उत्सव मनाया था। कल के दिन हम संविधान के प्रारंभ का उत्सव मनाएंगे। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग इन शब्दों से शुरू होती है। ये शब्द हमारे संविधान के मूल भाव अर्थात लोकतंत्र को रेखांकित करते हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था लोकतंत्र की पश्चिमी अवधारणा से कहीं अधिक प्राचीन है, इसीलिए भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश विदेशी शासन से मुक्त हो गया, लेकिन उस समय भी देश में सुशासन तथा देशवासियों में निहित क्षमताओं और प्रतिभाओं को उन्मुक्त विस्तार देने के लिए उपयुक्त मूलभूत सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को स्वरूप प्रदान करने का कार्य चल ही रहा था। संविधान सभा ने सुशासन के सभी पहलुओं पर लगभग 3 वर्षों तक विस्तृत चर्चा की और हमारे राष्ट्र के महान आधारभूत ग्रंथ यानी भारत के संविधान की रचना की। आज के दिन हम सब देशवासी उन दूरदर्शी जननायकों और अधिकारियों का कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करते हैं, जिन्होंने हमारा भव्य और प्रेरक संविधान के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया था। हमारा देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृत काल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। ये एक युगांतकारी परिवर्तन का कालखंड है। हमें अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सुनहरा अवसर मिला है। हमारा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक नागरिक का योगदान महत्वपूर्ण होगा। इसके लिए मैं सभी देशवासियों से संविधान में निहित हमारे मूल कर्तव्यों का पालन करने का अनुरोध करूंगी। ये कर्तव्य आजादी के 100 वर्ष पूरी होने तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रत्येक नागरिक के आवश्यक दायित्व है। इस संदर्भ में मुझे महात्मा गांधी का स्मरण होता है। बापू ने ठीक ही कहा था, जिसने केवल अधिकारों को चाहा है ऐसे कोई भी प्रजा उन्नति नहीं कर सकी है। केवल वही प्रजा उन्नति कर सकी है जिसने कर्तव्यों का धार्मिक रूप से पालन किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस हमारे आधारभूत मूल्यों और सिद्धांतों को स्मरण करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। जब हम उनमें से किसी एक बुनियादी सिद्धांतों पर चिंतन करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अन्य सभी सिद्धांतों पर भी हमारा ध्यान जाता है। संस्कृति मान्यताओं और परंपराओं की विविधता हमारे लोकतंत्र का अंतर्निहित आयाम है। हमारे विविधता का ये उत्सव समता पर आधारित है, जिसे न्याय द्वारा संरक्षित किया जाता है। ये सब स्वतंत्रता की वातावरण में ही संभव हो पाता है। इन मूल्यों और सिद्धांतों की समग्रता ही हमारी भारतीयता का आधार है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के प्रबुद्ध मार्गदर्शन में प्रवाहित इन मूलभूत जीवन मूल्यों और सिद्धांतों में रची बसी संविधान की भावधारा ने सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए सामाजिक न्याय के मार्ग पर हमें अड़िग बनाए रखा है। मैं ये उल्लेख करना चाहूंगी कि सामाजिक न्याय के लिए अनवरत युद्धरत रहे श्री कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी का उत्सव कल ही संपन्न हुआ है। कर्पूरी जी पिछड़े वर्गों के सबसे महान पक्षकारों में से एक थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन उनके कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। उनका जीवन एक संदेश था।
अपने योगदान से सार्वजनिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए मैं कर्पूरी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हमारे गणतंत्र की मूल भावना से एकजुट होकर 140 करोड़ से अधिक भारतवासी एक कुटुंब के रूप में रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इस कुटुंब के लिए सह अस्तित्व की भावना भूगोल द्वारा थोपा गया बोझ नहीं है, बल्कि सामूहिक उल्लास का सहज स्रोत है जो हमारे गणतंत्र दिवस के उत्सव में अभिव्यक्त होता है। इस सप्ताह के आरंभ में हम सबने अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर निर्मित भव्य मंदिर में स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का ऐतिहासिक समारोह देखा। भविष्य में जब इस घटना को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तब इतिहासकार भारत द्वारा अपने सभ्यतागत विरासत की निरंतर खोज में युगांतकारी आयोजन के रूप में इसका विवेचन करेंगे। उचित न्यायिक प्रक्रिया और देश के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। अब ये एक भव्य संरचना के रूप में शोभायमान है। ये मंदिर न केवल जन जन की आस्था को व्यक्त करता है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया में हमारे देशवासियों की अगाध आस्था का प्रमाण भी है। प्यारे देशवासियों, हमारे राष्ट्रीय त्योहार ऐसे महत्वपूर्ण अवसर होते हैं जब हम अतीत पर भी दृष्टिपात करते हैं और भविष्य की ओर भी देखते हैं। पिछले गणतंत्र दिवस के बाद के एक वर्ष पर नजर डाले तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है। भारत की अध्यक्षता में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। G20 से जुड़े आयोजनों में जन सामान्य की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन आयोजनों में विचारों और सुझावों का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर था। उस भव्य आयोजन से ये सीख भी मिली है कि सामान्य नागरिकों को भी ऐसे गहन तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे में भागीदार बनाया जा सकता है, जिसका प्रभाव अत्यंत हो उनके अपने भविष्य पर पड़ता है। G20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में भारत के अभ्युदय को भी बढ़ावा मिला, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संवाद की प्रक्रिया में एक आवश्यक तत्व का समावेश हुआ। जब संसद ने ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया तो हमारा देश स्त्री पुरुष समानता के आदर्शों की ओर आगे बढ़ा। मेरा मानना है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिला सशक्तिकरण का एक क्रांतिकारी माध्यम सिद्ध होगा। इससे हमारे शासन की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में भी बहुत सहायता मिलेगी। जब सामूहिक महत्व के मुद्दों पर महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तब हमारी प्रशासनिक प्राथमिकताओं का जनता की आवश्यकताओं के साथ बेहतर सामंजस्य बनेगा। इसी अवधि में भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र पर उतरने वाला पहले देश बना। चंद्रयान 3 के बाद इसरो ने एक सौर मिशन भी शुरू किया। हाल ही में आदित्य L1 के सफलतापूर्वक हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। भारत ने अपने पहले एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट, जिसे एक्सपोसेट कहा जाता है, के प्रक्षेपण के साथ नए साल की शुरुआत की है। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष के ब्लैक होल जैसे रहस्यों का अध्ययन करेगा। वर्ष 2024 के दौरान अन्य कई अंतरिक्ष अभियानों की योजना बनाए गए है। ये प्रसन्नता के विषय है कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में अनेक नई उपलब्धियां हासिल की जाने वाले हैं। हमारे प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान मिशन की तैयारी सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है। हमें अपने वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों पर सदैव गर्व रहा है, लेकिन अब ये पहले से कहीं अधिक ऊंचे लक्ष्य तय कर रहे हैं और उनके अनुरूप परिणाम भी हासिल कर रहे हैं।
भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का उद्देश्य संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को और अधिक विस्तार तथा गहराई प्रदान करना है। इसरो के कार्यक्रम के प्रति देशवासियों में जो उत्साह दिखाई देता है, उससे नई आशाओं का संचार हो रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों ने युवा पीढ़ी की कल्पना शक्ति को नई फोंक दिए हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे बच्चों और युवाओं में बड़े पैमाने पर विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ेगा तथा उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। अंतरिक्ष विज्ञान की इन उपलब्धियों से युवाओं, विशेषकर युवा महिलाओं को ये प्रेरणा मिलेगी कि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपना कार्य क्षेत्र बनाए। मेरे प्यारे देशवासियों, आज का भारत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। सुदृढ़ और स्वस्थ अर्थव्यवस्था इस आत्मविश्वास का कारण भी है और परिणाम भी। हाल के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद की हमारी वृद्धि दर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक रही है। ठोस आकलन के आधार पर हमें पूरा विश्वास है कि ये असाधारण प्रदर्शन वर्ष 2024 और उसके बाद भी जारी रहेगा। ये बात मुझे विशेष रूप से उल्लेखनीय लगती है कि जिस दूरगामी योजना दृष्टि से अर्थव्यवस्था को गति प्राप्त हुई है, उसी के तहत विकास को हर दृष्टि से समावेशी बनाने के लिए सुविचारित जनकल्याण अभियानों को भी बढ़ावा दिया गया है। महामारी के दिनों में समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए लागू योजनाओं का दायरा सरकार ने बढ़ा दिया था। बाद में कमजोर वर्गों की आबादी को संकट से उबरने में सहायता प्रदान करने हेतु इन कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखा गया। इस पहल को और अधिक विस्तार देते हुए सरकार ने 81 करोड़ से अधिक लोगों को अगले 5 साल तक मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। संभवतः इतिहास में ये अपनी तरह का सबसे बड़ा जनकल्याण कार्यक्रम है। साथ ही सभी नागरिकों के जीवन यापन को सुगम बनाने के लिए अनेक समयबद्ध योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही है। घर में सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता से लेकर अपना घर होने के सुरक्षाजनक अनुभव तक, ये सभी बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, ना कि विशेष सुविधाएं। ये मुद्दे किसी भी राजनीतिक या आर्थिक विचारधारा से परे हैं और इन्हें मानवीय दृष्टिकोण से ही देखा जाना चाहिए। सरकार ने केवल जनकल्याण योजनाओं का विस्तार और संवर्धन ही नहीं किया है, अपितु जनकल्याण की अवधारणा को भी नया अर्थ प्रदान किया है। हम सभी उस दिन गर्व का अनुभव करेंगे जब भारत ऐसे कुछ देशों में शामिल हो जाएगा जहां शायद ही कोई बेघर हो। समावेशी कल्याण की इसी सोच के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में डिजिटल विभाजन को पाटने और वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के हित में समानता पर आधारित शिक्षा व्यवस्था के निर्माण को समुचित प्राथमिकता दी जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के विस्तारित सुरक्षा कवच के तहत सभी लाभार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य है। इस संरक्षण से गरीब और कमजोर वर्गों के लोगों में एक बहुत बड़ा विश्वास जगा है। हमारे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का मान बढ़ाया है। पिछले साल आयोजित एशियाई खेलों में हमने 107 पदकों के नए कीर्तिमान के साथ इतिहास रचा और एशियाई पैरा खेलों में हमने 111 पदक जीते। ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि महिलाएं हमारी पदक तालिका में बहुत प्रभावशाली योगदान दे रही है। हमारे श्रेष्ठ खिलाड़ियों की सफलता से बच्चों को विभिन्न खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा मिली है, जिससे उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है। मुझे विश्वास है कि नई आत्मविश्वास से भरपूर हमारे खिलाड़ी आगामी पेरिस ओलंपिक में
और भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्यारे देशवासियों, हाल के दौर में विश्व में अनेक स्थलों पर लड़ाइयां हो रही है और दुनिया के बहुत से हिस्से हिंसा से पीड़ित है। जो दो परस्पर विरोधी पक्षों में से प्रत्येक मानता है कि केवल उसी की बात सही है और दूसरे की बात गलत है, तो ऐसी स्थिति में समाधान परक तर्क के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य से तर्क के स्थान पर आपसी भय और पूर्वाग्रह ने भावावेश को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण अनवरत हिंसा हो रही है। बड़ी पैमाने पर मानवीय त्रासदियों की अनेक दुखद घटनाएं हुई है और हम सब इस मानवीय पीड़ा से अत्यंत व्यथित है। ऐसी परिस्थिति में हमें भगवान बुद्ध के सारगर्भित शब्दों का स्मरण होता है, नहीं बेरेनो वेरानी समन्तिदो खुदाजनम ओबेरेन च समन्ति एसो धम सनंतन। इसका भावार्थ है, यहाँ कभी भी शत्रुता को शत्रुता के माध्यम से साथ नहीं किया जाता है, बल्कि अशत्रुता के माध्यम से साथ किया जाता है। यही शाश्वत नियम है। वर्धमान महावीर और सम्राट अशोक से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक भारत ने सदैव एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि अहिंसा केवल एक आदर्श मात्र नहीं, जिसे हासिल करना कठिन है, बल्कि ये एक स्पष्ट संभावना है। यही नहीं अपितु अनेक लोगों के लिए ये एक जीवंत यथार्थ है। हम आशा करते हैं कि संघर्ष में उलझे क्षेत्रों में उन संघर्षों को सुलझाने तथा शांति स्थापित करने के मार्ग खोज लिए जाएंगे। वैश्विक पर्यावरण संकट से उबरने में भी भारत का प्राचीन ज्ञान विश्व समुदाय का मार्गदर्शन कर सकता है। भारत को ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने में अग्रणी योगदान देते हुए और ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को नेतृत्व प्रदान करते हुए देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। भारत ने पर्यावरण के प्रति सचेत जीवन शैली अपनाने के लिए लाइव मूवमेंट शुरू किया है। हमारे देश में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का सामना करने में व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन को प्राथमिकता दी जा रही है तथा विश्व समुदाय द्वारा इसकी सराहना की जा रही है। हर स्थान के निवासी अपनी जीवन शैली को प्रकृति के अनुरूप ढालकर अपना योगदान दे सकते हैं और उन्हें ऐसा करने ही चाहिए। इससे न केवल भावी पीढ़ियों के लिए पृथ्वी का संरक्षण करने में सहायता मिलेगी, बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। प्यारे देशवासियों, हमारे स्वाधीनता के 100 वर्ष पूरी होने तक की अमृत काल की अवधि के दौरान अभूतपूर्व तकनीकी परिवर्तन भी होने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकी बदलाव असाधारण गति के साथ सुर्खियों से बाहर आकर हमारी दैनिक जीवन का अंग बन गए हैं। कई क्षेत्र में भविष्य से जुड़ी आशंकाएं चिंतित करती है, लेकिन अनेक उत्साहजनक अवसर भी दिखाई देती है, विशेषकर युवाओं के लिए। हमारे युवा वर्तमान की सीमाओं से परे जाकर नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। उनके मार्ग से बाधाओं को दूर करने और उन्हें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करने के लिए हमें हर संभव प्रयास करना है। हमारी युवा पीढ़ी चाहती है कि सभी को अवसर की समानता प्राप्त हो। ये समानता से जुड़े पुराने शब्दजाल नहीं चाहते हैं, बल्कि समानता के हमारे अमूल्य आदर्शों का यथार्थ रूप देखना चाहते हैं। वास्तव में हमारा युवाओं के आत्मविश्वास के बल पर ही भावी भारत का निर्माण हो रहा है। युवाओं के मनोमस्तिष्क को संभालने का कार्य हमारे शिक्षकगण करते हैं, जो सही अर्थ में राष्ट्र का भविष्य बनाते हैं। मैं अपने उन किसानों और मजदूर भाई बहनों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जो चुपचाप मेहनत करते हैं
तथा देश के भविष्य को बेहतर बनाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर की पूर्व संध्या पर सभी देशवासी हमारे सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर सकते थे जो हमने हासिल कर ली है। अपने वाणी को विराम देने से पहले मैं न्यायपालिका और सिविल सेवाओं के सदस्यों को भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। विदेशों में नियुक्त भारतीय मिशनों के अधिकारियों और प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों को मैं गणतंत्र दिवस की बधाई देती हूँ। आइए हम सब यथाशक्ति राष्ट्र और देशवासियों की सेवा में स्वयं को समर्पित करने का संकल्प करें। इस शुभ संकल्प को सिद्ध करने के प्रयास हेतु आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।